Greatness is built through struggle. Every day it's you. फिटनेस ऐप से मेरा नाम ध्रुव है और आप देख रहे हैं फैक्ट्री फिटनेस। सो आज हम बात करेंगे एक है ना मतलब बहुत अजीब तरीके की मिथ है कि विंटर में हमको गेन करना चाहिए समर में हमको कट करना चाहिए। सो क्या ये मतलब मिथ है या एक्चुअली में ये काम करती है तो देखेंगे। अभी है ना एक गैलरी ने भी बोलना स्टार्ट कर दिया तो कंटिन्यूसली बोलती रहेगी और रुक गई है। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या विंटर में हमें रैली में बल्क करना चाहिए और समर में कट करना चाहिए, मतलब ये कितने हद तक एक साइंस है और कितने हद तक एक मिथ है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूँगा ये कोई मतलब इसके पीछे कोई साइंटिफिक रीजन तो है नहीं, ये एक मतलब मिथ है कि हमें विंटर्स में बल्क करना चाहिए और समर में कट करना चाहिए। ऐसा कौन लोग करता है? ऐसा जनरली जो हमारे प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स हैं वो करते हैं, राइट। सो उनको कब देखकर काफ़ी लोग क्या होते हैं मोटिवेट हो जाते हैं तो उनको कॉपी करने की कोशिश करते हैं कि हम भी विंटर्स में बल्क करेंगे और समर में कट करेंगे, जिसमें कि ऐसा कुछ होता नहीं है। सो मतलब एक है ना इसके पीछे मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि यही एक रीज़न होता है कि हमें विंटर में बल्किंग करनी चाहिए और समर में कटिंग। इसके पीछे एक अलग कॉन्सेप्ट है। सो विंटर में क्या होता है, विंटर में जो होता है हमारे दिन थोड़े छोटे होते हैं, सबको पता है, रात लंबी होती है और जो विंटर में हमारी एक्टिविटी काफ़ी कम हो जाती है और उसी मोमेंट पे क्या होता है विंटर में हम थोड़ा फूड भी ज़्यादा कंज्यूम कर लेते हैं। सो विंटर में बल्किंग का तो पता नहीं लेकिन काफ़ी लोग फैट ज़्यादा फैट ऑब्वियसली हो जाते हैं। सो फैट को अब मेरे को पता नहीं लोग गेनिंग का नाम दे देते हैं नहीं ये मेरे को पता नहीं। समर में क्या होता है हमारी एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा होती है तो इसलिए उसको कटिंग के लिए प्रेफर किया जाता है, मतलब उसके पीछे कोई साइंस नहीं है ऐसी एज सच। सो उसमें हमारी एक्टिविटी ज़्यादा होती है, हमारी कैलरीज बर्नआउट ज़्यादा हो जाती है और मतलब हम इजीली उस मोमेंट पर श्रेडिंग कर सकते हैं, इसलिए उसको कटिंग के लिए प्रेफर कर सकते हैं। बट ये एक मिथ होती है कि आपको विंटर में ही बल्क करना है, समर में ही कट करना है, आप कभी भी कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। सो बल्किंग का फर्स्ट रूल क्या होता है कि जब भी आप बल्किंग स्टार्ट करेंगे तो आपका बॉडी फैट अराउंड मैं कहूँगा 8-10% होना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऑलरेडी 15-16% के बॉडी फैट पे हैं सो आप सिर्फ आगे फैट ही गेन करोगे, मसल गेन नहीं करोगे, मतलब बहुत ही कम चांस होगा कि आप मसल गेन करें। और मसल जो भी आप गेन करेंगे ना मसल या फैट वो मतलब उसमें मसल की क्वांटिटी बहुत कम होगी। सो इसलिए आपका आइडियल बॉडी फैट परसेंटेज जो आपका आइडियल बॉडी फैट परसेंटेज है 8-10% के बीच में होना चाहिए अगर आपको बल्किंग स्टार्ट करनी है। तो जब भी बल्किंग स्टार्ट करनी होती है ना तो लोग क्या करते हैं कई बार ये मिस्टेक कर देते हैं कि वो एकदम से बहुत सारी एक्सेस कैलरीज डाल लेते हैं अपने सिस्टम में, जो कि गलत चीज़ है। क्योंकि अगर आप सडनली 1000 कैलरीज या एकदम से 1000-1500 कैलरीज को इंक्रीज़ कर देंगे ना तो ऑब्वियसली आपकी बॉडी में फैट स्टोर होगा ही होगा। सो मैं चाहूँगा कि जब भी आप बल्किंग करें मैं मतलब ये एक साइंटिफिक फैक्ट है, जब भी आप बल्किंग करें इवन जब आप कट करते तो एक स्लोली प्रोग्रेशन के साथ कीजिए, धीरे धीरे कीजिए। सो मैं कहूँगा आप अराउंड 100-300 कैलरीज का इंक्रीमेंट कीजिए और देखिए कि आपकी बॉडी में क्या इफेक्ट आता है ओवर द पीरियड ऑफ 1 वीक और 2 वीक्स। अगर आपको उसमें वेट गेन मिलता है तो आप उसके साथ कंटिन्यू कीजिए एंड धीरे धीरे 100-100 कैलरीज उसमें ऐड करते जाइए। तो हमें उसमें देखना पड़ेगा कि अगर आपको 1500 कैलरीज पर अगर अच्छा रिजल्ट मिलता है तो आप 500 कैलरीज तक लेके जाइए उसको धीरे धीरे इंक्रीज़ करके, अगर नहीं मिलता तो आप उसको और भी ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकते हैं 1 या 2 मील ऐड करके। सो ये तो हो गया हमें कैलरीज कैसे मॉडिफाई करनी है। सेकंड जो मैंने आपको बताया कि आप गेनिंग और कटिंग कभी भी कर सकते हैं, बल्किंग और कटिंग उसका कोई ऐसा रूल नहीं है, और बॉडी फैट परसेंटेज मैटर करता है कि आपका 8-10% होना चाहिए ताकि आप क्वालिटी मसल पुट ऑन कर सकें, राइट। अदरवाइज आप फैट पुट ऑन कर लेंगे, कितना बॉडी वेट गेन करना चाहिए या कितने बॉडी वेट पे हम फैट हो जाएंगे, कितने बॉडी वेट पे मैं लीन मसल पुट ऑन करूँगा, कितना मतलब मुझे इंक्रीमेंट कितना करना है अपने बॉडी वेट पे पर वीक या पर मंथ में कितना करना है। सो एक मंथ में मैं कहूँगा आप अपने बॉडी का 1-1.5% टारगेट कीजिए कि मैं इतना तो अचीव करने की कोशिश करूँगा। वो बहुत डिफ़िकल्ट है, उसको ईजी में समझिएगा कि 1-1.5% अपने बॉडी वेट को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। एडवांस लिफ्टर के केसेस में तो वो और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि वेट पुट ऑन करना नेचुरल लिफ्टर्स के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क है। मतलब ऐसा नहीं है जो हम यूट्यूब पे देखते हैं काफ़ी ज़्यादा, जो हमारे ओलंपिया लेवल के एथलीट्स होते हैं वो बोलते हैं कि मैंने 20 पाउंड पुट ऑन किया, 10 पाउंड पुट ऑन किया। सो उनका एक जेनेटिक लेवल अलग होता है, उनकी जो हार्डवर्क एथिक है वो एक अलग लेवल पर होती है, उसको हम ऐसे नहीं बोल सकते कि वो इनहेंस्ड है, तो इसीलिए वो पुट ऑन कर लेते हैं। एक मतलब उसके लिए ईटिंग कंसिस्टेंसी भी बहुत अलग लेवल की होती है उनकी, मतलब सारी साइंस जो होती है उनकी बॉडी की वो सब चेंज्ड होती है एज़ कम्पेयर टू नेचुरल एथलीट, तो हमको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है
सो 1 से 1.5% एक आइडियल रेंज है मेरे हिसाब से, जो कि काफ़ी मुश्किल है अचीव भी करनी, बट उसको हम टारगेट कर सकते हैं कि मैं एक मंथ में इतना टारगेट करूँगा। सो यही था मेरा आज का वीडियो, जिसमें मेरे को ये बताना था कि बल्किंग और जो ये कटिंग है इसको आप कभी भी कर सकते हो, समर और विंटर का ही नहीं है कि आप समर में कटिंग करोगे और विंटर में बल्किंग करोगे, ये एक कम्प्लीटली मिथ है। सो जो भी ब्रो लोग आपको ये गलत चीज़ें बताते हैं ना, तो आप उनको आप जाके फैक्ट बता सकते हो, क्योंकि सारा गेम तो कैलरीज का है, कैलरी इनटेक और कैलरी जितनी आप स्पेंड करते हो उसी के बेसिस पे आपकी गेनिंग होगी, उसी के बेसिस पे आपकी कटिंग होगी। सो यही था आज का वीडियो, कमेंट डाउन करके बताना कैसी लगी, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब करना, एकदम बटन आना होगा सब्सक्राइब का प्रेस करना, उसके बाद नोटिफिकेशन बेल आइकॉन दोनों को प्रेस करोगे ना तभी जब मैं वीडियो डालूँ तभी पता चलेगा, ना पता नहीं चलेगा। और डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक है, जाके चेक कर सकते हो। एंड इफ यू लाइक द वीडियो फॉर टुडे डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, फ्री होता भाई प्रेस कर देना, इधर इधर बटन आ रहा होगा। टिल द नेक्स्ट वीडियो गाइस, साइनिंग आउट।